अक्सर हम अपने इस प्रोग्राम में बताते और दिखाते रहे हैं ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आज हम ऐसे ही कलंकी बाबा की डर्टी पिक्चर को दिखाने जा रहे हैं, जिसने न अपना धर्म बदला बल्कि धर्म बदलकर हवस का ऐसा घिनौना खेल खेला और बन गया बलात्कारी बाबा। देखिए आशु भाई गुरुजी की डर्टी पिक्चर। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे योग बनाए, वो जीवन दाता है। आशु भाई गुरुजी की डर्टी पिक्चर। आशु भाई गुरुदेव महाराज की। धर्म बदल कर किया आस्था से खिलवाड़। आसिफ खान से बना आशु भाई गुरुजी। भविष्य बताने के साथ साथ चलाता था आयुर्वेद की दुकान। आसिफ खान और आशु भाई गुरुजी बना बलात्कारी बाबा। बाबाओं की सबसे घिनौनी करतूत में ताजा मामला आसिफ खान और आशु भाई गुरुजी का है। दरअसल गाजियाबाद की एक महिला ने पिछले दिनों दक्षिण दिल्ली के हौज खास में रिपोर्ट दर्ज कराकर सनसनी मचा दी कि आशु भाई गुरुजी ने उसके और उसकी बच्ची के साथ गंदी हरकत की। वहीं आशु भाई गुरुजी के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। हैरानी की बात है कि एक मुसलमान होने के बावजूद आसिफ खान ने आशु भाई गुरुजी बनकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया। बोलिए आशु भाई गुरुदेव महाराज की। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। इसका खुलासा तब हुआ जब वोटर लिस्ट देखी गई। इसके मुताबिक आशु भाई गुरुजी की एक तस्वीर लगी है और उसके आगे लिखा हुआ है आसिफ खान पुत्र श्री इदहा खान। आसिफ खान 90 के दशक में दिल्ली के वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में रहता था और कुछ ही सालों में भक्ति और आस्था का ढोंग करके 2018 आते आते करोड़ों का मालिक बन गया। जानकारी के मुताबिक आशु ने सराय रोहिल्ला के पदम नगर इलाके में अपने धंधे की शुरुआत की। इसके बाद आशु भाई गुरुजी बनकर दूसरों का भविष्य बताने का धंधा शुरू किया और धीरे धीरे बन गया आयुर्वेदिक डॉक्टर। फिलहाल पुलिस ने गाजियाबाद की रहने वाली पीड़ित महिला की तहरीर पर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गुरुजी की तलाश में उनके तमाम संभावित ठिकानों पर दनादन दबिश डाल रही है। इन्वेस्टिगेशन डेस्क, भारत समाचार। के दुश्मन क्यों बन जाते हैं हमारे? हम लोग सबसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी लोग हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं? यूपी में इन दिनों बदमाशों के टारगेट